नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और उम्मीद करता हूं कि वर्कशीट के माध्यम से आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपको काफ़ी सहूलियत मिल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 9। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामता नाथ का चौथा भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। बच्चों, ये जो कहानी है यह लेखक के मामा गांव की कहानी है, मामा के घर की कहानी है। जब लेखक अपने मामा के गांव जाते हैं तो वहां वो एक चूड़ी वाले के पास बैठते हैं जो लाख की चूड़ियां बनाता है और बेचता भी है। लेखक की उत्सुकता वहां जाने की इस वजह से रहती है क्योंकि लाख की चूड़ियों के साथ साथ वह लेखक को कुछ रंग बिरंगी लाख की गोलियां भी देता है। तो इस वजह से लेखक वहां जाकर बार बार बैठते हैं, और उसी व्यक्ति की बात वो बता रहे हैं जिसका नाम बदलू है, वो चूड़ियां बनाता है। तो पीछे की वर्कशीट में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से लेखक वहां बैठकर क्या क्या करते हैं और उनके आवभगत में क्या क्या होता है। लेकिन जब बहुत लंबी छुट्टी के बाद जब वहां पहुंचते हैं तब उसमें क्या बदलाव होता है और लेखक में क्या बदलाव होता है, इस चीज़ को आज की वर्कशीट में हम समझेंगे। मैं बहुधा, बहुधा का मतलब बहुत बार, हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एकाध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। मतलब कि जब गर्मियों की छुट्टी होती तो लेखक अपने मामा गांव चले जाते और एकाध महीने, एक महीना या लगभग आधा महीना तक वहाँ रहने के बाद वह वापस आ जाते। परंतु दो तीन बार में ही अपने मामा के यहाँ गया होगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली मतलब ट्रांसफ़र हो गया, उनके पिता कोई जॉब में थे, किसी नौकरी में थे और उनके पिता का दूर ट्रांसफ़र हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं मामा के गाँव न जा सका। और ट्रांसफ़र होने की वजह से वह एक लंबी अवधि लगभग 7-8 बरस तक, 8-10 बरस तक अपने मामा के गांव नहीं जा पाए। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। मतलब कि लेखक अब बड़े हो चुके थे और छोटी छोटी गोलियों में उनकी रुचि थी नहीं। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया और उन्हें अब उसकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए गांव में रहते थे। लेकिन बदलू का ध्यान नहीं आया कि बदलू भी यहाँ रहता होगा, क्योंकि अमूमन उन्हीं लोगों का दृश्य हमारे दिमाग में बना रहता है जिनसे हमें काम होता है। अगर अगर किसी से काम नहीं पड़े तो लोग उसको भूल जाते हैं। तो उसी तरह से कुछ समय के लिए लेखक बदलू को भूल चुके थे। इस बीच मैंने देखा कि गाँव की लगभग सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियां पहने हैं, और तब तक उन्होंने गांव में बदलाव देखा। पहले जिस गांव की स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनकर रहा करती थीं, आज के समय में जब लेखक देखे तो वहां परिवर्तन था। लाख की जगह सबके हाथों में कांचों की चूड़ियां दिखी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले ही हाथों में मतलब बहुत ही कम, विरले का मतलब होता है बहुत कम। तो कुछ ही लोगों के हाथों में उन्होंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, तब उनको बदलू याद आया। जब किसी के हाथ में उन्होंने लाख की चूड़ियां देखी तब बदलू याद आया कि वो बदलू भी यहाँ रहता था। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। और वह भी याद कब आया, जबकि मामा के लड़की के हाथ की कलाई, सॉरी हाथ की चूड़ियां टूटकर गिर चुकी और कांच की चूड़ियां थी, इसलिए वो उसके हाथ में धस भी गई। यहाँ कांच की चूड़ियों की एक डिमेरिट बताई गई है कि वो चूड़ियां हाथ में धस सकती है और हाथ में चुभ भी सकती है, उससे खून निकलने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मरहम पट्टी मतलब दवा वा लगाना और पट्टी बांधना, ये लेखक को ही करना पड़ा। तभी सहसा
मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब यहाँ भी परिवर्तन देख लीजिए कि 8-10 वर्षों में क्या परिवर्तन आया। लेखक जब भी जाते थे तो नीम के नीचे मचिए पर बैठा बदलू चूड़ियाँ बनाता दिख जाता था, लेकिन इस बार वो चूड़ियाँ नहीं बना रहा था बल्कि खाट पर लेटे हुए था। मतलब कि उसका शरीर भी अब धीरे धीरे जवाब दे रहा था और वह आराम कर रहा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक ने उन्हें नमस्ते किया। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। उसे लगा कि कोई और व्यक्ति आ गया है, कोई दूसरा है, कोई बड़ा आदमी आ गया है, और उसके सम्मान में वह खाट से उठकर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, और उसकी आंखें भी कमजोर हो चुकी थी, याददाश्त भी कम ही थी। उन्होंने लेखक को पहचाना नहीं, शायद बहुत समय बीत जाने के कारण, शायद लेखक के बड़े हो जाने के कारण, क्योंकि बड़ा होने पर लोगों के चेहरे की बनावट जो है वो भी कुछ अलग हो जाती है। तो लेखक ने याद दिलाया, मैं हूँ जनार्दन, उनका नाम जनार्दन था। बोले, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने परिचय दिया कि मैं जनार्दन हूँ और आपके पास से मैं गोलियाँ बनवा कर ले जाता हूँ। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और यह बात सुनकर वह अपने दिमाग की यादों को रिवाइंड किया, पीछे की ओर पीछे की ओर पीछे की ओर देखता जा रहा था और एकदम से बोल पड़ा। जैसे ही उसकी मेमोरी ने उसे पकड़ा, वह एकदम जोर से बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। और बदलू ने आखिर पहचान ही लिया, उसकी मेमोरी में वो सेव था और इसलिए याद आ गया। तो ये थी कहानी, और आशा है बच्चों कि इस भाग कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि लेखक गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था, तो उत्तर है शहर में अपने दोस्त के यहाँ, फिर अपने चाचा के गांव, अपने मामा के गांव, तो इसका उत्तर होगा घ, अपने मामा के यहाँ। उसके बाद प्रश्न दो है कि बहुत दिनों बाद मामा के यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज की बनी चूड़ी बहुत आयत में दिखी, तो ऑप्शन है सोने की चिड़िया, ख है मिट्टी की चिड़िया, कांच की और चूड़ियाँ लोहे की चूड़ियाँ इत्यादि। तो लेखक को कांच की चूड़ियाँ वहाँ बहुत आयत में दिखी। प्रश्न तीन है कि लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए अपना क्या नाम बताता है, ऑप्शन क है जनार्दन, ख है राम मनोहर, ग कमलेश और घ सुनील। तो अभी अभी हमने पढ़ा है, लेखक ने कहा था मैं हूँ जनार्दन, तो उत्तर क होगा जनार्दन। उसके बाद अब यहाँ तीन प्रश्न हैं, तो चलिए तीनों प्रश्नों के उत्तर हम लोग आंसर शीट पर करते हैं। प्रश्न चार है, क्योंकि पहले के तीन प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने वर्कशीट पर ही कर लिया है, तो प्रश्न चार है कि लाख की गोलियों में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह गई थी, तो इसका उत्तर है क्योंकि लेखक अब बड़े हो गए थे और उन्हें उन छोटे खेलों में कोई रुचि नहीं थी। प्रश्न पाँच है कि आपके विचार से गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों के बजाय कांच की चूड़ियाँ पहनना क्यों शुरू किया होगा, इसका उत्तर है क्योंकि कांच की चूड़ियाँ सहज ही मिल जाया करती होंगी और लाख की चूड़ियाँ महंगी पड़ती होंगी, साथ ही बदलू ने चूड़ी बनाना भी बंद कर दिया होगा। प्रश्न छः है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो और वह आपको अच्छी प्रकार पहचान नहीं पा रहे हों, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी, इसका उत्तर है कि एक बार मैं अपने नर्सरी के टीचर से अचानक मिला, मैंने उन्हें पहचान लिया और प्रणाम किया, पर वह मुझे नहीं पहचान पाए, तब मैंने क्लास के कुछ घटना का उदाहरण देकर अपनी पहचान करवाई, इसके बाद वह बहुत खुश हुए और मैं भी उनके साथ कुछ पल खुश रहा। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान थी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।